इस चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पास इतिहास की इस कड़ी में ये वीडियो सबसे ज्यादा महत्व रखता है और इस वीडियो का सबको बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार भी था, क्योंकि पासी समाज का सुहेल देव से भावनाएं जुड़ी हुई हैं। पासी जाति के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में राजा सुहेल देव को जाना जाता है, जिन्होंने 10-34 सदी में विदेशी तुर्क आक्रमणकारी सैयद सलार गाजी को युद्ध में मार गिराया और उसके जिहाद पर लगाम लगा दी थी और 150 सालों तक कोई बड़ा आक्रमण नहीं हुआ। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, बिल्कुल सीधा और साफ है। जो अन्य समाज के लोग अपना सुहेल देव पर अपनी अपनी जाति का होने का दावा पेश करते हैं और सबूत मांगते हैं, जिसे समय समय पर विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो ना हो इसलिए ऐसे सबूत हैं जो आज यहाँ दिखाऊंगा, ताकि हर समाज समझ सके। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पासी समाज का ही पक्ष जानेंगे, दोनों समाज का पक्ष जानेंगे। अब बात करते हैं कि कौन दो जातियाँ हैं जो अपना दावा सुहेल देव पर करती आई हैं और दोनों ही जातियाँ महाराज सुहेल देव को अपना मानती आई हैं और दोनों की भावनाएँ महाराजा सुहेल देव से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जी हाँ, एक तो पासी और दूसरा भर, दोनों ही महाराज सुहेल देव पर दावा करती आई हैं। और ये भी जान लीजिए कि दोनों जातियाँ ब्रिटिश पीरियड में एक थीं और दोनों के एक होने के कई प्रमाण भी मिलते हैं। और बड़े बड़े बुद्धिजीवों का मानना है कि पासी और भर एक ही जातियाँ हैं जो विषम परिस्थितियों में धीरे धीरे विभाजित होती चली गईं। भर और पासी एक कैसे हैं, जिनके कई प्रमाण मिलते हैं, उस पर भी बकायदा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज सुहेल देव के पासी होने के प्रमाण जो हैं उस पर बात करूंगा। खैर, आज हम राजा सुहेल देव पासी जिसके प्रमाण हैं उस पर बात करेंगे और समझेंगे। उससे पहले इस बात पर चर्चा करेंगे कि राजा सुहेल देव कौन थे। राजा सुहेल देव बहराइच के राजा थे, जो 1034 ईस्वी के समय काल में गाजी को मार गिराया था। 1034 में जब विदेशी तुर्क आक्रमणकारी सैयद सलार मसाऊद गाजी ने भारत में जिहाद छेड़ा था, तब राजा सुहेल देव ने 21 राजाओं का संगठन बनाकर गाजी के 125,000 सेनाओं का मुकाबला किया था और देश धर्म की रक्षा की थी। तभी से राजा सुहेल देव पासी वहाँ के हवाओं में रचे बसे हैं। और इसी में एक कड़ी और भी जुड़ती है, वो है कसमंडी के राजपासी राजा कंस की। इनका नाम क्यों नहीं लिया जाता, बल्कि इनका शौर्य सुहेल देव से कहीं अधिक था। सैयद सलार मसाऊद गाजी को लखनऊ में कदम रखते ही सबसे पहली लड़ाई राजा कंस से लड़नी पड़ी थी और इस बिकट लड़ाई में राजपासी राजा कंस ने मसाऊद गाजी के साथ आए दो हमलावर सैयद खातिम और हातिम को मार गिराया था। बाकी बचा मसाऊद गाजी को बाद में राजा सुहेल देव ने मारा था। अब जितना सबूत राजा सुहेल देव का मिलता है, उतना ही सबूत राजपासी राजा कंस का भी मिलता है, लेकिन उतना सम्मान राजा कंस को नहीं मिला जितना सम्मान सुहेल देव को। और वैसे भी अंत में जीतने वाले को ही लोग याद रखते हैं, शुरुआती संघर्षों में हुए वीरों की वीरगतियाँ धूमिल सी लगने लगती है और शायद यही कारण है कि राजा कंस का जिक्र कम मिलता है। अब बात करते हैं राजा सुहेल देव पासी के परमाणों की, जो एक नहीं अपितु कई हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले दी पासी ऑफ उत्तर प्रदेश 1961 की, जो ऑफिस ऑफ द रजिस्टर्ड जनरल इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर न्यू दिल्ली की रिपोर्ट थी, जिसे फील्ड इन्वेस्टिगेशन एंड ड्राफ्ट एच एन सिंह और रिसर्च ऑफिसर एन जी नाग एंड डिप्टी रजिस्टर जनरल बी के रॉय बर्मन थे। और इस रिपोर्ट के पेज नंबर 7 के अनुसार में बताया गया है, सुहेल देव वाज अ पासी किंग, जहाँ पासी जाति की शाखाओं सबकास्ट के बारे में बताया गया है। अब ऐसा तो था नहीं कि मन में जो आया वो लिख दिया। उन ऑफिसर्स ने स्टडी की और पाया कि बहराइच में राजा सुहेल देव पासी राजा थे। नंबर 2, एनसीईआरटी। और अब बात करते हैं एनसीईआरटी की, जो एक ठोस प्रमाण है सुहेल देव पासी के बारे में, जो पेज नंबर 28 के मध्यकालीन भारत में अंकित है। एनसीईआरटी के पुस्तकों में इसका जिक्र है, जो पूरे भारतवर्ष के सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाती है, जिसे अन्य महापुरुषों के साथ राजा सुहेल देव जी का वर्णन है, जिसमें सुहेल देव को पासी बतलाया गया है। और ऐसे तो लिखा नहीं जाता, जो महापुरुष उसमें शामिल किए जाते हैं, जो लर्नर होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, इनके बारे में तथ्य इकट्ठा करके ही एनसीईआरटी में जगह देते हैं, जो एक ठोस प्रमाण माना जाता है। और इसके बाद 2002 में यूपीपीसीएस के पेपर में भी एक प्रश्न आया था और वो प्रश्न में ये पूछा गया कि बहराइच में गाजी की दरगाह की यात्रा किसने की। आंसर में फिरोज शाह तुगलक होने के बाद व्याख्या में बकायदा ये भी बताया गया कि पासी राजा सुहेल देव ने सैयद सलार मसाऊद गाजी को पराजित कर मार डाला। तब भी लोग उन्हें पासी ही जानते थे।
इसके अलावा हिंदू समाज के गौरवपाशी वीर महाराजा सुहेलदेव जी की शौर्य गाथा जिसे लेखक त्रिलोकी नाथ कौल ने लिखी थी, जिसमें राजा सुहेलदेव के पासी होने के प्रमाण है और पूरी किताब पासियों पर बेस्ड है। और यही नहीं, जो राजभर लोग सुहेलदेव के पासी होने पर आपत्ति लगाते हैं, उन्हें ओम प्रकाश राजभर जो खुद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो राजा सुहेलदेव को आधार मानकर पार्टी बनाई थी, उन्होंने खुद राजा सुहेलदेव पासी के जयंती पर संबोधित किया था और भर पासी एकता की बात की थी। अभी हाल में ही हृदय नारायण दीक्षित का एक लेख छपा था जिसमें राजा सुहेलदेव के पासी होने का जिक्र करते हैं, जो इतिहास के नए नजरिए की जरूरत में आप देख सकते हैं। और अब जो सबूत आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो अपने आप में अत्यधिक महत्व रखता है, जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ द हिंदू ट्राइब एंड कास्ट वॉल्यूम 1, जो 1872 में पब्लिश हुई थी। इसके चैप्टर 5वें भाग में पासियों के सब कास्ट के बारे में बताया गया है, जो कई उपजाति या कुलों में विभाजित हैं, जिसमें भर भी शामिल है। जब भर पासियों की उपजाति बताई गई है, तो राजा सुहेलदेव के अलग होने का सवाल ही नहीं उठता। जो लोग श्री बद्री नारायण की किताब फैसिनेटिंग हिंदुत्व सैफ्रॉन पॉलिटिक्स एंड दलित मोबिलाइजेशन की दोहाई देकर शक में जीते हैं, तो उन्हें खुद बद्री नारायण का ही एक ये इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए। पासी दलित ये दलित जाति में नहीं, जब नहीं बनी तो एक थर और थारू और थारू बाहर और पासी की अस्मिता आसपास, लेकिन जब ये दलित हो गए और राजभर की अस्मिता उनसे थोड़ी बेहतर पर मानी जाने लगी, इन दोनों के बीच कॉन्टेस्ट शुरू हो गया। और राजभर कहते हैं कि ये हमारे हैं और पासिस कहते हैं कि ये हमारे हैं, और इन दोनों में इस सुहेलदेव के आइकॉन को लेकर। यानी कि जब भर ओबीसी और पासी को एससी में नहीं डाला गया था, तब दोनों की अस्मिताएं और भावनाएं एक थीं, तब कोई विवाद का कारण नहीं था। पिछले साल एक वीडियो वायरल हुई थी जो बहराइच की है, जहां पर कोई लड़का गाजी मियां के नाम पर चंदा मांगने किसी के घर गया हुआ था, तभी कोई शख्स भड़क गया और गाजी मियां के नाम पर चंदा देने से मना करते हुए जिसे डांट कर भगा दिया। गाजी मियों को भीख नहीं देते हम लोग, काहे परेशान कर रहे हो आके, चलो जाओ। गाजी मियां कौन है मालूम है? सुहेलदेव पासी मारे थे उसको ना, उसके हम लोग पूजा नहीं करते और आना भी नहीं कभी गाजी मियां के नाम पे। इससे एक बात साबित होती है, बहराइच जहाँ के राजा सुहेलदेव हैं, वहाँ के लोकमत में लोग राजा सुहेलदेव को पासी ही मानते हैं। वहीं संजीव सान्याल, जो जाने माने इंडियन इकोनॉमिस्ट राइटर, जो इस समय प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में भारत सरकार में हैं, उन्होंने राजा सुहेलदेव के बारे में जो कहा है उसे आपको सुनना चाहिए। Across into the Gangetic Plains and was met by a much smaller army led by a bunch of local chieftains from that area near what is now Faizabad Ayodhya area, and they fought a big battle. And the Indian side was led by a chieftain called Suheldev or Sukhdev Pasi. और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू धर्म रक्षक राजा सुहेलदेव को पासी कहा। बहराइच में महाराज सुहेलदेव पासी के सामने लोग लड़ने के लिए आए थे, मात्र दो लोग बचे थे, सबके सब मार डाले गए थे। दोस्तों, विवाद तो बस कुछ ही सालों से हुआ है, जानबूझ के राजा सुहेलदेव पासी के नाम से छेड़छाड़ हो रही है, नहीं तो इससे पहले राजा सुहेलदेव को दुनिया पासी के नाम से ही जानती थी। वैसे भी जो राजा जिसने देश धर्म की रक्षा की हो, उसे जाति में नहीं बांटना चाहिए, वो सबके हैं, और जो जातियां आपस में लड़ रही हैं, कोई और नहीं, एक ही हैं, इनको एक होने की पहल करना चाहिए। और इतिहास में कई ऐसे प्रमाण हैं दोनों जातियों के एक होने के, जो आगे आने वाले समय में आप तक लाऊंगा। ये तो था राजा सुहेलदेव पासी जी के बारे में उचित प्रमाण जो आप तक लाया हूँ। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी सवाल आपके मन में है, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।